नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मदनपुर थाना क्षेत्र के बंदी करीबा डोभा पचरुखिया एवं इसके आसपास के जंगलों में नक्सलियों के जमावाड़े की एवं उनके द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला किए जाने की योजना बनाए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही औरंगाबाद के एसपी कांतिस कुमार मिश्रा एवं कोबरा 205 के समादेष्टा श्री कैलाश के संयुक्त निर्देशन में 159वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी बीएस भाटी, उप समादेष्टा ओम प्रकाश यादव, सहायक समादेष्टा नीरज कुमार तथा 47 वाहिनी सीआरपीएफ एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में कार्रवाई करते हुए युक्त जंगली क्षेत्रों में संघन छापेमारी अभियान चलाया गया। तत्पश्चात सुरक्षा बलों की गतिविधियों को देख रेख जंगल में छुपे हुए नक्सलियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा। इस दौरान जवानों ने नक्सलियों के लेबी रसीद, कई केन बम, कई नक्सल साहित्य, 9 mm के 52 कारतूस, 7.62 mm के 198 कारतूस, 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 8 फ्लैश कैमरा, 63 बेसिक मोबाइल, 50 सिम कार्ड सहित कई सामग्रियों को बरामद किया गया है। गुरुवार को समाहरणालय के पुलिस कक्ष में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी ने युक्त बातों की जानकारी दी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सारी सामग्रियां बरामद हुई हैं। इसमें मुख्यतः है 63 की संख्या में बेसिक मोबाइल मिले हैं। इसके अलावा 198 की संख्या में 7.62 mm के जिंदा राउंड, 9 mm के 52 राउंड, इसके अलावा 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 8 मोटोरोला वायरलेस सेट, 2 इंटरसेप्टर, 2 कैमरा फ्लैश, एमुनेशन पाउच और 50 की संख्या में सिम कार्ड बरामद हुए हैं। और इस संबंध में मदनपुर थाना में कांड दर्ज किया गया है। 10 से 15 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध और नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो हमने लगातार कार्रवाई की है डिस्ट्रिक्ट पुलिस और कोबरा सीआरपीएफ के साथ, तो ये उसी सफलता का एक उस कड़ी के रूप में देखना चाहिए। और आपके माध्यम से अपील होगा कि जो कोई अपराधी अभी फरार है तो वो सरकारी योजनाओं के तहत अगर सरेंडर करना चाहें तो कर सकते हैं। जो नियमानुकूल जो मुआवजा मिलता है हम लोग उसका प्रोसेस करेंगे और यथासंभव उनकी सहायता करेंगे पुनः मुख्यधारा से जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।